यहाँ पे कनाडा में रियल एस्टेट का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अगर आपने ये कैलकुलेशन फॉलो किया भैया, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी में आप ये ठीक है कि नहीं है भैया। हाँ जा भैया, यह वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको कनाडा के रियल एस्टेट मार्केट की एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, आपको यह चीज़ बताऊंगा कि जो आपको कोई नहीं बताएगा भैया। यहाँ पे हमारे इंडियन भाई आते हैं और यहाँ पे बड़ा सा मकान ले लेते हैं 3-4 लाख का, और ये सोचते हैं कि हमने प्रॉपर्टी ले ली। भैया आपने प्रॉपर्टी नहीं ले ली, आपने अपनी ज़िंदगी बैंक के नाम गुलामी के लिए 25-30 साल के लख दिए भैया। 25-30 साल तक आप मजदूरी करते रहेंगे और बैंक को पैसा देते रहेंगे, ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी इतनी सुखमय नहीं होगी। मैं इस वीडियो में आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा कैलकुलेशन से समझाऊंगा कि कैसे अगर आपके पास 5 या 10 हज़ार डॉलर है तो कैसा बढ़िया सा बिजनेस कर सकते हो और कैसा इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। आप किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं, आप 5-10 साल में बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो भैया। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो इन्वेस्ट पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये कैलकुलेशन जो मैंने बनाया है वो 1 लाख यूनिट का एक यूनिट हो, ऐसा 10 अपार्टमेंट का ब्लॉक हो तो उसको $1 मिलियन की प्रॉपर्टी हुई। मालूम पड़ा भैया, 1 अपार्टमेंट का $1 लाख, ऐसे 10 अपार्टमेंट का पूरा ब्लॉक कॉन्डो हो तो $1 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी हुई, जो जैसे कि यहाँ पे। और आपको मालूम है भैया, यहाँ पे कनाडा में अगर आप 0 से $5 लाख तक आप लोन लेने जाएंगे तो आपको 5% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 500 से $1 मिलियन तक जाएंगे तो आपको 10% डाउन परसेंट देना पड़ेगा, और $1 मिलियन का आपको बैंक लोन ना लेना है तो आपको 20% आपको डाउन पेमेंट चाहिए भैया। यानी कि अगर आपको खाली $1 लाख का लोन चाहिए तो आपको खाली 5,000 घर के चाहिए, 95% तो बैंक आपको देती ही है भैया। ये जो कैलकुलेशन है वो $1 मिलियन का जो कॉन्डो का अपार्टमेंट ब्लॉक है भैया, जो मेरे पास एक बार लेने के लिए आता है, मैं उसका मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ भैया। तो 1 लाख का एक यूनिट, ऐसे 10 यूनिट के हुए $10 लाख हुए भैया, $1 मिलियन आपके पास। बैंक ने डाउन पेमेंट के लिए 20% मांगे तो आपको $2 लाख बैंक में जमा करना है। ये तो बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ भैया, आपको $2 लाख बैंक में जमा करवाना है भैया। और 2 लाख में से बैंक अगर आपको $8 लाख आपको लोन देगा, जो 8 लाख लोन देगा भैया, वो 8 लाख लोन में आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट पर ईयर 4% होता है भैया। मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट रेट का मेरा एक्सपीरियंस भैया। आपको बैंक के इंटरेस्ट रेट में एक बैंक के पास नहीं जाना है कि जहाँ आपका खाता है, 2-3-4 बैंक के पास जाइए और उसके पास बराबर बार्गेनिंग करेंगी। बैंक रोएगी, नाटक करेगी, सब करेगी, लेकिन आपको 4% से भी आराम से कम आपको दे देगी, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉपर्टी है और बैंक जानती है कि इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी भैया। इसके लिए बैंक कितना भी नाटक करे, लेकिन आप हार्ड कोर बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके लिए बैंक को 2 चीज़ चाहिए, एक तो आप खुद डिसेंट होने चाहिए, यानी कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, थोड़ा एजुकेशन आना चाहिए, आपकी लोन के क्रेडिट आपकी क्रेडिट अच्छी होनी चाहिए, और आपकी प्रॉपर्टी डिसेंट होनी चाहिए। अगर आप ठीक है और आपकी प्रॉपर्टी ठीक है तो बैंक आपको आराम से $8 लाख का लोन दे सकता है भैया। तो अगर आपने $8 लाख का लोन लिया और उसने आपका 4% का आपने इंटरेस्ट दिया तो आपको सालाना $32,000 इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। यानी कि महीने को आपको 32,000 को 12 से डिवाइड किया तो $2,666 पर मंथ बैंक आपको बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये तो हमारा खर्चा हो गया भैया, अब मैं आपको उसकी क्या क्या कमाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पे भैया देखिए, ये रेंटल प्रॉपर्टी है, 1 लाख यूनिट के 10 यूनिट है, और 1 लाख हर एक यूनिट है 1,000 किराया आता है, तो 10 यूनिट का 1,000 के प्रतिशत के हमारे से हमारे पास 10,000 पर मंथ हमारा पास किराया आएगा। अब लोग पूछेंगे भैया इतना किराया आते लेकिन एक्सपेंस तो होता है भैया। मैं आपको बताता हूँ कनाडा में एक्सपेंस बहुत ही होता है भैया, जैसे कि आपके पास ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये स्कूलिंग टैक्स हो गया, आपका कुछ टूट भाग गया भैया, ये इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, स्नो रिमूवल, आपका मैं आपके किसी सेक्रेटरी रख दी उसका थोड़ा खर्चा रखेगा, अकाउंटेंट का खर्चा लगेगा, ये सभी का खर्चा आपको महीने का 10,000 होता है। उसमें से भैया आपका मैं मिलता हूँ मैक्सिमम आपको बोलता हूँ वो 5,000 से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। यानी कि आपका महीने का जो 10,000 रेंट है उसमें से 5,000 आपने खर्चे में डाल दिया, जो आपने अकाउंटेंट को पे किया है, आपका हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ भागा टूटा सब रिपेयर किया, तो भी आपका एक अपार्टमेंट ब्लॉक में पूरा आपको महीने का $5,000 आपके खिस्से में आएगा। अरे ठहर जा, मैं समझाता हूँ भैया। अभी ये $5,000 आपके पास आपके खिस्से में आया
तो एक साल का आपको $5,000 पर मंथ आया, तो अभी आपको बैंक का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना भैया। तो जो बैंक का इंटरेस्ट था 2,666, 5,000 माइनस करते थे तो $2,334 हमारे खिस्से में भैया प्रॉफिट के हिसाब से आएंगे। खाली महीने का इनकम है तो पूरा साल का आपको करीबन $28,000 आपको मिलेगा, लेकिन आपका ओरिजिनल इन्वेस्ट तो खाली 200,000 है और आपका प्रॉफिट हुआ 28,000, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ भैया 14%। तो इस तरह अगर आपने कैनेडा में बड़ी अच्छी तरह सोच साझ के ढंग की प्रॉपर्टी लिया भैया तो बहुत ही फायदा होता है। मैं यहाँ पे आपको दूसरी बात बताता हूँ, बहुत सारे भैया हमारे लोग पूछते हैं कि भैया मोटल ले कि ये कॉन्डो अपार्टमेंट ले। मोटल लेना मैं ठीक है भैया, मैंने भी यहाँ पे लास्ट मंथ पे एक बड़ी अच्छी मोटल थी मैंने देखा, लेकिन उसमें ये बताता हूँ मोटल में बड़ा ही लफड़ा होता है भैया। हमको ये लॉन्ड्री वाले को रखना पड़ता है, ये क्लीनिंग का रोज डेली मेंटेनेंस, कोई सुपरवाइजर चाहिए कि भैया इसकी ये कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। मोटल में आपको खाली एक मोटल के लिए आपका 5 या 6 लोगों का स्टाफ चाहिए। अगर आपने ये अपार्टमेंट ब्लॉक लिया भैया तो उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, एक या दो जनों को आप फोन पे ही रखिए भैया, वो कुछ भागा टूटा रिपेयर कर देंगे, महीने के महीने जाके आप रिपेयर करेंगे और अपने जो क्लाइंट है उसके साथ अच्छा सा बिजनेस रिलेशन रखेंगे तो आपका अच्छा फायदा होगा भैया। यानी कि अपार्टमेंट ब्लॉक कॉन्डो ब्लॉक में बहुत ही फायदा है भैया। उसमें आपको $1,000,000 का नहीं दिया, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर के दिया भैया, आपको 200-300,000 में डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स क्वाड्रुप्लेक्स यानी कि खाली 4 मकान का ब्लॉक का वो भी आपको अच्छा सा मिल जाएगा भैया। और अगर आपने जैसे ये मकान में आपका वैसे इतना इनकम हुआ भैया, जैसे 28,000 आपका पर ईयर आपका इनकम हुआ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भैया अब मेरा इनकम आ गई अब मैं 25 साल तक ये पूरी ज़िंदगी ये भरता रहूँगा। बैंक को आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, जो ये बिजनेस प्रॉपर्टी है उसका कैलकुलेशन वही होता है कि ये तो खाली प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होती रहती है और आप पर मंथ आप ये 2,334 अपने खिस्से में रखिए भैया। और दूसरी प्रॉपर्टी आप ढूंढने रहिए क्योंकि इसका लोन तो आप खुद ब खुद भरता ऑटोमेटिक भरना रहेगा, यानी 1 से 2, 2 से 3 ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे आप ऐसे इंक्रीज करते रहेंगे, ऐसे करके आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट में थोड़ा फायदा भी होगा और आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मैं आपको यह भी बताता हूँ भैया, क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीदने जाए तो ऐसे जल्दी से इंप्रेस मत हो जाइए, प्रॉपर्टी में देखिए कौन सा एरिया है, यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, सब आराम से रेंट में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, या आखिरी ऑनर वो बेच रहा है क्यों बेच रहा है, क्योंकि वो बेचारा थक गया हुआ हो रहा है तो ठीक है। कई लोग के यहाँ पे कैनेडा में रिटायरमेंट ले लेते हैं 65 के बाद, और उसकी प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह इवेल्युएट करके देखिए कि अगर आपको करीबन मेरे ख्याल से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे इस प्रॉपर्टी में आपको 14% मिल रहा है, तो अगर आपको 10 या 12% आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो इसको प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छा बोलता है। यहाँ पे कनाडा में भैया शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड नहीं तो सेविंग्स में कैसा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैसा आपका इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सेविंग्स में बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल वाले खाली 0.8% आपको इंटरेस्ट देते हैं भैया, यानी कि आपने $100,000 एक बैंक में पूरे साल वहाँ पे रखे तो खाली आपको $800 बैंक देगी, सोच लो भैया ये हालत है। अगर आपने CIBC बैंक में रखा था आपको सेविंग्स में 1% ब्याज देगा, यानी पूरे साल में 100,000 का आपको खाली 1,000 ब्याज मिलेगा, यानी कि सेविंग में तो आपको पैसा रखना ही नहीं है भैया। अब दूसरा जो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ वो म्यूचुअल फंड में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट साल में मैंने 25,000 रखा था पूरा साल बैंक में, तो मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं थी भैया, तो पूरे साल के अंदर मेरे को 26,600 कुछ $16 मिले 25 के हिसाब से। यानी कि म्यूचुअल फंड कैसा है उसमें पैसा मिलेगा लेकिन इतना ये फिक्स हो जाता है पैसा भैया, और इतना इजी नहीं है भैया। और स्टॉक मार्केट में भैया मैं क्या रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिस्क लेते हो तो भी पैसे होते हैं, लेकिन मेरा करीबन $18,000 स्टॉक मार्केट में अभी है, तो ये 18,000 का खाली अभी $6,000 ही हो रखा है भैया। सोच लो मैं इतना पढ़ता हूँ इतना लिखता हूँ तो भी मेरे भी पैसे कम होते हैं। इसके लिए मैं बताता हूँ अगर आपके पास $5,000-$10,000-$20,000 आपके पास है भैया तो आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको आराम से घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं भैया। इसके अलावा मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ
हूँ क्या आप मेरे से इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो कृपया करके मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि भैया हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका कोई भी नॉलेज आपको चाहिए तो मेरे को बताइए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया जी आप तो ऐसे बात करते हो जैसे आपका पूरा का पूरा कैनेडा के प्रधानमंत्री है। भैया मैं बताता हूँ, हम लोग तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया और मैंने MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री किया है, यानी कि अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस का मैं जो पूरा का पूरा वो निचोड़ के इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के जो पढ़ा है वो आपको सीधी साधी सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे कैनेडा में रियल एस्टेट का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अगर आपने ये कैलकुलेशन फॉलो किया भैया तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी में आप ये ठीक है कि नहीं है भैया। और मैं आपको यह भी बताता हूँ आपको मॉर्गेज एजेंट आपका खुद का रखिए, क्योंकि मॉर्गेज एजेंट होने से आपको धक्के बहुत नहीं खाने पड़ेंगे और ज़्यादातर यहाँ पे कैनेडा में अगर आपने मॉर्गेज एजेंट रखा तो वो जो बेचने वाला है वही उसको कमीशन देता है, अपने को उससे थोड़ा फायदा हो जाता है भैया। इसके अलावा भी मैंने कैनेडा के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है भैया। तो जैसे कैनेडा में अगर आप आए और आपको कोई भी जानता नहीं है तो आप कहाँ पे रुके भैया, यहाँ पे कैनेडा में इंडियन लाइसेंस को कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करें, कैनेडा में अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं भैया। तो ये वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखे थे, देखिए भैया। उसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कृपया करके मेरे को नीचे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपका उसका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूँगा भैया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया करके यह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी देख के सीख सके कि यहाँ पे कैनेडा में लाइफ कैसी है भैया। आपके समय के लिए आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।